Hello friends, my name is Jyotish Sharma and today I welcome you to my channel UD Rawat. You are watching UD News number 58-57 community post mein aayi thi. Sorry, kal ki video nahi ban pai. So no bakwas, let's start. दोस्तों आज की न्यूज़ है क्या है सॉलिड सॉलिड न्यूज़ इसलिए दोस्तों क्योंकि टीवीज़ भी लॉन्च हुई हैं और टीवीज़ जैसे ही लॉन्च होती है ना आप लोग पागल हो जाते हो मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एंड्रॉयड क्यू का बीटा वन का जो है वो आने लग गया है गूगल पिक्सल्स के यूज़र्स के लिए। तो गूगल पिक्सल जो आप पिक्सल एक्सल पिक्सल टू पिक्सल थ्री जो भी है तो दोस्तों बीटा वर्जन अगर आप बीटा टेस्टर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो एंड्रॉयड क्यू आप डाल सकते हैं। इट्स इजी, आप उनकी साइट पर जाइए और पता कर लीजिए कैसे कैसे है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ अभी बग्स होंगे क्योंकि बीटा वर्जन है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड क्यू में दो तीन फीचर एक्स्ट्रा जैसे पता लग रहा है दोस्तों। एक और न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ है, अलग न्यूज़ थी इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। एंड्रॉयड क्यू बीटा ब्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो एंड्रॉयड क्यू के बीटा वर्जन में आपको सेटिंग्स पे और सिस्टम सेटिंग्स में अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल ऐप के या बिना किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर के। अगर आप सीधे वर्ड्स में कहें तो आप फ़ोन के ही थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे विद ऑडियो। अगर आप अपना फेस वगैरह और वो अदर ऑप्शन है उसमें आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोजिला लॉन्च। एनर्जी से नहीं आ रही ना, मोजिला ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों एक फायरफॉक्स सेंड नाम की एक सुविधा जिसके अंतर्गत आप फ्री फाइल ट्रांसफर सर्विस कह सकते हैं एक तरह से। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको किसी को फाइल भेजनी है लेकिन वो बहुत सारे लोगों को भेजनी है तो आप जीमेल करते हैं तो यार एक जीबी और लिमिट वो भी सीन हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस फाइल को जो भी अपने इसका नाम है फायरफॉक्स एंड इस पर अपलोड करेंगे, उसकी एक लिंक बनाएंगे, एक जीबी तक की आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उस पर फायरफॉक्स एंड में अकाउंट बना लेते हैं तो 2.5 GB तक का आप उस पर एक अपना अकाउंट बनाएंगे, अपलोड करेंगे फाइल को, उसकी लिंक बनाएंगे, उस लिंक को शेयर कर देंगे। उस लिंक को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने यूज़र्स इस लिंक को देख पाएंगे। लाइक अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 5 यूज़र्स देख पाएंगे तो 5 ही यूज़र उस लिंक क्लिक कर पाएंगे और क्या उसको देख सकेंगे, फाइल को एक्सेस कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, जो करना चाहिए कर सकते हैं आप उस फाइल के साथ। 5, 10, 100, 150, 500 अनलिमिटेड यूज़र आप सेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड यूज़र भी मतलब जैसे कोई लिमिट नहीं रखनी तो वो भी कर सकते हैं। आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, सब आपके ऑप्शन में, आपके हाथ में। आई लाइक दिस सर्विस बिकॉज कई बार हमें ऐसे कुछ लाइक अपने वर्क फ्लो में या फिर आप किसी ऑफिस में हैं तो आपको एक फाइल शेयर करनी है, सिर्फ 3-4 लोगों को ही करनी है, तो आप उसे लिंक दीजिए और उसको भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग आगे शेयर कर देते हैं तो लिमिट भी रहेगी कि 3 लोगों को ही करनी है, 3 लोगों को पासवर्ड दे दिया तो चौथे के पास अगर वो अगर फैला भी देते हैं फाइल को तो वो खोल नहीं पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों Xiaomi के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं ब्लैक शार्क 2 के, जो कि एक गेमिंग फ़ोन है दोस्तों। अब क्या कह डाता है ये तो 18 मार्च को ही पता लगेगा ये फ़ोन के बारे में, लेकिन जहां तक पता लग रहा है $1500 मतलब कितना 1584,000 रुपीज़ का होने वाला है मिनिमम बात कर रहा हूँ। अभी भाई साहब इंडिया में आया नहीं आया, कब आया नहीं आया पता नहीं है, ऐसे वो इसी ने ऊपर से कस्टम टैक्स 84, 90, 1 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख, 100 लाख, करोड़, क्या बता कितने मिले। तो भाई जिस तरह आपसे एप्पल ने काम किए हैं 1 लाख के फ़ोन दे रहे हैं, क्या पता है भाई $1500 का कितना बना के देगी Xiaomi। लेकिन जहाँ तक है Xiaomi अच्छी ब्रांड है तो आई होप कि वो सही प्राइस 84,000 या 70-75 तक रख देंगी। बाकी देखो फ़ोन एकदम सही है, स्लीक सा लग रहा है, 855 का जो है स्नैपड्रैगन है इसमें, 12 GB की रैम है और भी थोड़े बहुत मतलब जो भी फीचर होते हैं, मतलब की बैग में अच्छा स्कोर है कुल मिला के दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो हमारी मेन वीयू की लॉन्च टीवी। तो दोस्तों वीयू ने 3-4 TV लॉन्च करी है दोस्तों, जिसमें से अपनी सबसे जो छोटी वाली है 43 इंच की 4K TV जो कि है 30,999 रुपये की, एक है 126 सेंटीमीटर मतलब 50 इंच की अल्ट्रा HD 4K भी है, इसका प्राइस है 36,999 रुपये, और एक है 55 इंच की जो कि 41,499 रुपीज़ की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो मैम है, आई डोंट नो वो CEO है क्या है, लेकिन जो भी लॉन्च करती हैं और प्रोडक्ट लॉन्च पे भी ऐसे करके खड़ी रहती हैं, जो भी है जो मेन मैम है उनकी व्यू की, वो उन्होंने पिछले साल के व्यू की लॉन्च इवेंट में साफ साफ शुद्ध इंग्लिश भाषा में बोला था, एक क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि आप अपने MI को कंपटीशन मानते हैं कि नहीं, नो Xiaomi आई डोंट थिंक दैट्स अ कंपटीशन, दैट्स अ मिड रेंज, वी आर प्रीमियम रेंज टेलीविजन एंड ऑल, ऐसा लाइक मतलब चौड़ में आके बोला था। क्यों प्राइस कम कर दिया, 55 इंच की 4K TV का आपका प्राइस 56,000 रुपये था,
क्यों इस साल वो 41,000 रुपये हो गया, वाई मैम वाई, यस यू डिड फाइंड अ कॉम्पिटिशन विद शाओमी, दैट्स वाई यू, इतनी बोलता हूँ यार मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर हाँ आपको लगा कॉम्पिटिशन है शाओमी से इसीलिए आपने प्राइस कम किया, ठीक है दोस्तों। आप इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो 4K आपको मिल जाएगा, अल्ट्रा HD HDR10 मिल जाएगा, डॉल्बी विजन है, डॉल्बी ऑडियो है, और गूगल एंड्रॉयड है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल प्ले है, DBX TV है, सब कुछ फीचर्स मिल जाएंगे दोस्तों, चकाचक एकदम HDR, और स्पीकर भी V-Spot का आउटपुट है तो बढ़िया, एकदम प्रीमियम डिज़ाइन है दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो MIA2 की, तो MIA2 जो हमारा है वो 4GB और 64GB रैम का जो 15,999 का फ़ोन था दोस्तों, उसका प्राइस गिर कर आ गया है 11,999, मतलब 12,000 रुपये ऑफ लगा के आप 500 रुपये तो ज़्यादा कम कर ही लोगे, मतलब 11,500 रुपये में आपको MIA2 मिल रहा है, वो भी 4GB 64GB स्टोरेज वाला। भाई आंख बंद करो, पट्टी बांधो और ले लो इफ़ यू वांट टू बाई। मैं ये नहीं कह रहा कि Redmi Note 7 बेटर है, जो भी है ये बेस्ट है भाई साहब, क्योंकि देखो अगर आप Zenfone Max Pro M2 रखेंगे कंपेरिजन में 4/64 वाला, तो वो भी इतने का ही आएगा 12 का, और उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका कैमरा बहुत बेटर है, और इसमें गूगल स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा और टाइप सी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग मिलेगी। आप Redmi Note 7 से कंपेयर करेंगे तो इसकी डिस्प्ले बहुत बेटर है दोस्तों, इसकी डिस्प्ले भी 1080 है और कैमरा भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर मामला हो जाएगा, क्लैश करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को MIA2 पसंद आता है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड होता है इसमें, और कैमरा बहुत बेटर है दोस्तों, फ्रंट कैमरा तो माशाल्लाह है। और दोस्तों तीसरा फ़ोन अगर आप सैमसंग से M20 वगैरह से कंपेयर करेंगे तो भूल ही जाओ, मैं करूँगा ही नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, जाओ, दिस इज माई चैनल, आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर सैमसंग गैलेक्सी M20 विद MIA2, दैट्स फाइनल, ओके चुटकी नहीं, पहले अपना होता है, हाँ क्या होता है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल दबा देना, और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सबसे पहले तो व्यू वाली की वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगी देख लेना। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से लाइक करते हैं इस वीडियो को, लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़ना है, तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब हियर एंड चेक आउट दीज अदर वीडियोज़ ऑल्सो, थैंक यू।